हाय दोस्तों दोस्तों आईटेल A4 6 में हम फिंगरप्रिंट पासवर्ड कैसे लगाते हैं, देखिए इस वीडियो को और प्रॉपर तरीके से समझे। तो सबसे पहले हमें जाना होगा सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना होगा सिक्योरिटी एंड लोकेशन पे जाना होगा। यहाँ पे सारे पासवर्ड शो कर देंगे, स्क्रीन लॉक में आपका फिंगरप्रिंट्स और पैटर्न, यहाँ पे जाएंगे आप तो सब कुछ शो कर देगा। तो हमें जाना होगा फिंगरप्रिंट्स पे। फिंगरप्रिंट्स पे क्लिक करते ही आपको इस तरह का इंटरफेस खुलेगा जिसको हमें नेक्स्ट के बटन दबाना है। उसके बाद आपका पैटर्न पासवर्ड मांगेगा, पैटर्न पासवर्ड आपको डाल देना है यहाँ पर। उसके बाद तो पीछे जो हैंड पे जो फिंगर है ना, फिंगरप्रिंट, उस पर दबाना है जिस उंगली से आप खोलते हो। ज़्यादातर जिस शो कर रहा है उंगली ना, उसी से दबाते हैं हम लोग, तो दबाने के लिए बोल रहा है, ठीक है दबाते हैं। दोस्तों सिर्फ एक जगह नहीं दबाना, बार बार उठा कर दबाना है। एक बार दबाया है तो सिर्फ इतना स्कैन हुआ है, थोड़ा टेढ़ा करके फिर उसी उंगली को फिर इधर से फिर उसको फिल कर देना है इधर उधर दबा के, ताकि अगर एक उंगली को आप तीनों चार तक 10 तरीके से दबाओगे तो जल्दी से पासवर्ड खुलेगा। अगर आप सारे उंगली को दबाओगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा खुलना प्रॉपर तरीके से। एक ही उंगली को बार बार दबा दो, पूरा फिल कर दो इधर उधर करके, उंगली घुमा के, यानी कि चारों तरफ का इस एक उंगली का चारों तरफ का फिंगर जो है वो फिंगरप्रिंट वो स्कैन कर सके। अब कर लेते हैं डन। तो दोस्तों फिंगरप्रिंट हाँ लग चुका है। अगर आप चेक करने की बात करते हैं तो देखते हैं लॉक करके, बिल्कुल खुल गया दोस्त, बिना देखो बिना कुछ किए खुल गया सिर्फ फिंगरप्रिंट से। दोस्तों एक बात और, अगर इसको ऐड करना चाहते हैं और भी तो और भी ऐड कर सकते हो, ऐड फिंगरप्रिंट्स, ठीक है। दूसरा वाला हैंड कर सकते हो ऐड इसमें, यानी कि वो उंगली से भी खुल जाए, दूसरा उंगली से अलग अलग से करना है, अलग अलग पासवर्ड बनाना है, तीन जितना भी बना सकते हो, पांच उंगली से पांच तरह के पासवर्ड इसमें बना सकते हो, लेकिन एक उंगली एक पासवर्ड में एक ही उंगली को दबाना है बार बार। दोस्तों एक उंगली काफ़ी है मेरे लिए, इसलिए मैं एक ही उंगली जैसे एक और करके दिखाता हूँ आपको, दूसरा वाला उंगली से कर रहा हूँ, फील हो जाएगा तो ले लेगा ऑटोमेटिक। ये ले लिया, अब डन कर देता हूँ। दोस्तों हो चुका है, दो हो गया, फिंगर वन फिंगर टू। अगर डिलीट करना चाहो किसी तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, डिलीट और रिनेम दोनों का ऑप्शन आ जाता है, इसीलिए हम छोड़ देते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।